दोस्तों आज इस सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑर्थोपोडा के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ये क्वेश्चंस जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस आधार पे ये क्वेश्चंस इस ईयर भी इम्पोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई भी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम मॉर्थोपोडा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ का जोया लावा इज तो जोया लार्वा का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है तो एलिमा एलिमा इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जोया लार्वा तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा मार्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय किससे होता है तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस के तौर पे आपको Uh, कारपोरा एलाउटा जहाँ भी कॉकरोच में मेटामोफोसिस कहेगा वहाँ कारपोरा एलोटा को याद करना है तो यहाँ सी विल बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द लेग्स ऑफ स्कॉर्पियन आर स्कॉर्पियन के लेग में कितने सेगमेंट्स होते हैं तो इस सेंस uh, में सेवेन वाला यानी ए विल बी राइट आंसर सेवन लैक्स होते हैं स्कॉर्पियन को केस में नेक्स्ट क्वेश्चन फोर सेवेंटी वन वैगिंग डांस इज़ द लैंग्वेज ऑफ किसका लैंग्वेज है दैट इज दैट विल बी हनी बी हनी बी एक डांस करता है जो उसका लैंग्वेज होता है और इस लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है कि कोई भी फूड सोर्स जो है वो सेवेंटी फाइव मीटर्स दूर है जिसकी वजह से ये और बाकी अपने ग्रुप में इंडिकेट करती हैं थ्रू दिस डांस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर फोर सेवेंटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फ्लिया वाटर फ्लिया के नाम से जाना जाता है तो डैफनिया इस तरह के जो भी कॉमन uh, नेम्स होते हैं इंसेक्ट्स के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो डेफनिया इज़ नोन एज वाटर फ्लिया और इसके बाद कुछ और दिए हुए हैं इंसेक्ट्स जिनके जो कॉमन नेम्स हैं साइक्लोपस को इट इज सिंगल मीडियन आई ऑर्थोपोर्स डेफनिया वाटरफ्लिया लसिफर लैक इंसेक्ट माइसिस माइसिस इज द लार्वा ऑफ क्रस्टेशिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर सेवेंटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल तो लिविंग फॉसिल के तौर पे यहाँ पे देखा जाता है डी लिमिलस इज द राइट आंसर लिमिलस को लिविंग फॉसिल कहा जाता है नेक्स्ट सेक्यूलिना बिलोंग टू सेक्यूलिना किससे बिलोंग करता है तो राइजोफेलिया से बिलोंग करता है सेपेना नेक्स्ट स्कॉर्पियोन रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ दो इस सेंस में बुक लंग्स इंपॉर्टेंट है स्किन नहीं होता गिल्स नहीं होता लंग्स नहीं होते यहाँ पे बुक लंग्स ही हेल्प करता है रेस्पिरेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन एरेक्निक्स पॉजिज एरेक्निक्स में कितने पेयर्स जो लेग्स होते हैं ये कितने पेयर्स लेग्स जो है देखे जाते हैं तो यहाँ पे इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आंसर होगा फोर पेयर लेग्स। तो यहाँ पे फोर पेयर लेग्स देखे जाते हैं इन केस ऑफ एरेनिकरकनिक्स एरेगनेगा जो क्लासेज हैं वहाँ पर फोर पेयर लेक्स का प्रेजेंस देखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर सेवेंटी सेवन फोर सेवेंटी सेवन द टू पेयर्स ऑफ विंग्स इन पेरनप्लेटा आर सिचुएटेड ऑन तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में पेरनप्लेटा के टू पेयर्स विंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सेवेंटी एट इज कैरेक्टराइज बाय क्लास रेक्नेडा जो है उसका क्या कैरेक्टर इसमें से होता है ये चूज करना है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सिफेलोथोरेक्स थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स बुक लंग्स एंड मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स बी हेड थोरेक्स एबडोमिन फोर पेयर्स ऑफ लेग्स बुक लंग्स चेली एंड पेडीपेल्पी सी सिफेलोथोरैक्स चेलीसेरी पेडीपेल्पी कंपाउंड आईज एंड बुक लंग्स

कौन देखा जाता है जिसमें एपटेरिगोट पहले ये देख लेते हैं एप्टेरिगोट इंसेक्ट होते क्या हैं दिज आर दोज इंसेक्ट्स इन विच इन विच विंग्स एंड ट्रैकिया आर एबसेंट ऐसे इंसेक्ट्स है जिसमें विंग्स और ट्रैकिया दोनों ही क्या है एबसेंट होते हैं विंग्स भी नहीं होते और ट्रैकिया भी नहीं होते तो इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कोलेम्बोला कोलेम्बोला यानी डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर नेक्स्ट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट्स इज इंसेक्ट्स के डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स क्या होते हैं आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि दीज आर इंसेक्ट्स तो दे हैव काइटिनस बॉडी यानी सी वाला ऑप्शन काइटिनस बॉडी इनके पास होते हैं इंसेक्ट्स के पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर एटी वन पेरीपेटस डिजेंबर्स एंड ऑर्थोपोड्स ऑर्थोपोड्स इन हैविंग पेरीपेटस ऑर्थोपॉड होता है क्या होता है उसके पास तो डॉर्सल ट्यूबलर हार्ट होता है जिसकी वजह से ये बाकी के ऑर्थोपोड्स से जो है मिलता जुलता होता है सेगमेंटेड मेटानफ्रेडिया नहीं होगा पेयर्ड अपनडिजेस जो है नहीं होंगे सिलेटेड अप्रग्स नहीं होंगे डॉर्सल ट्यूबलर फिट नहीं हो, हर्ट होंगे डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर एटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ अ फाइलम इसमें कुछ ऑप्शन ऑप्शन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि सेम क्लास से कौन सा जो ग्रुप है सेट है वो बिलोंग करता है तो यहाँ पे सेम क्लास को बिलोंग सभी को फाइंड आउट करने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद Uh, हम लोग ये देखेंगे कि स्पाइडर स्कॉर्पियन और टिक ये तीनों सिमिलर क्लासेस से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्लास जो है इन तीनों के स्पाइडर स्कॉर्पियन और टिक का क्लास है इसका एरेक्नेडा फाइलम ऑर्थोपोडा का है तो ये सेम फाइलम और क्लास से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर एटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास सेम क्लास से कौन सा बिलोंग करता है तो हाउस फ्लाई एंड टिक ये जो है सेम क्लास से बिलोंग नहीं करता बैट और रैट लिजर्ट और स्नै फ्रॉग एंड टोड ये जो है सेम क्लासेस के बट हाउस फ्लाई और टिक जो है ये सेम क्लासेस से बिलोंग नहीं करते हैं हाउस फ्लाई एंड टिक बिलोंग टू द सेम फाइलम ऑर्थोपोडा ब्लस क्लासेस और नॉट सेम जबकि हाउस फ्लाई का जो क्लास इंसेक्टा है टिक का जो एरिकनेडा है नेक्स्ट नोपीलस इज द लार्वा ऑफ ये नापिलस लार्वा भी इस सेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फाइलम के लिए और यहीं इसी फाइलम के लिए नहीं बल्कि सभी फाइलम्स के लिए जो लार्वा वाले क्वेश्चन होते हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट द नापीलस लार्वा इज द लार्वा ऑफ क्रस्टेशिया रस्टेशिया का जो लार्वा एनॉबलस लार्वा होता है ये इसको याद करना है नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेरेटरी पिगमेंट्स हीम ग्रुप एंड आयरन आर मिसिंग तो हिमोसाइनिन में ना हीम ग्रुप होगा, होगा ना आयरन होंगे और ये इस तरह के हिमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग रेस्पेरेटरी पिगमेंट है जो मोलस्का और आर्थोपोड़ा में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ई ट्राई ट्रिलोबाइट लार्वा इज फाउंड तो बिलिमिलस में ट्रि ट्रिलोबाइट लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है द स्पिनेट्स एंड स्प्रेंडर्स विच सीक्रेट सिलीकेन थ्रेड्स फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड ये स्पाइडर में होता है जो वेब का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह के जो थ्रेड्स होते हैं वो उस आ, उत, उस जो है वेब मेकिंग एनिमल यानी कि जो आ, मकड़ी है तो उसके किस पार्ट में होता है तो यहाँ पे क्लास एरेक्नेडा का ये फीचर है तो इसकी जो एंटीरियर टू द एनस वाले पार्ट में ये देखा जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कोड्स दिए हुए कोड्स में कौन से इंसेक्ट से मैचिंग नहीं है तो वो उसको फाइंड आउट करना है एकटिक एक्टिक हो सकते हैं इंसेक्ट टेरेस्ट्रियल मोर देन इलेवन बॉडी सेगमेंट्स मैंडिबल्स प्रेजेंट शेरी से प्रेजेंट तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा चिली से रिप्रेजेंट यानी डी वाला जो होगा वो इंसेक्ट का करेक्टर है और बाकी के करेक्टर्स इंसेक्ट से मैच नहीं करते नेक्स्ट इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड इज टेम्परली स्टोर द कहाँ स्टोर होता है यूरिक एसिड तो फैट बॉडीज़ के अंदर यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर फैट बॉडीज में ये स्टोर करता है बुक लंग्स आर फाउंड बुक लंग्स कहाँ होता है तो फिर से स्कॉर्पियन यानी बिच्छू में बुक लंग्स होते हैं ये जो है ज़्यादातर ये रेस्पिरेशन के तर, रूप में ये यूज़ किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर नाइन्टी वन द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ काइमेक्स कामेक्स के लाइफ साइकिल में करेक्ट सिक्वेंस क्या होगा तो इसके लिए जो करेक्ट सिक्वेंस होगा एग एग्स एन एडल्ट एग सी एग नेम फॉर एडल्ट एग नेम फॉर एडल्ट, एडल्ट तो यहाँ पे ये करेक्ट सिक्वेंस होगा नेक्स्ट इन इंसेक्ट जुवेनाइल हॉर्मोन इज सिक्रिटेड बाई तो जुवेनाइल हारमोन के सेंस में जो है यहाँ पर कारपोरा एलाटा ये स्टार्टिंग में ही जो है कॉकरोच के सेंस में पढ़ा गया था कारपोरा एलाटा जो है वो जुवेनाइल हारमोन को शराबित करता है विच एनेबल्ड ऑर्थोपॉड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड इसमें क्या ऐसा होता है ये लैंड पर सर्वाइव कर सकता है सो तो दे हैव काइटनस क्यूटिकल इसलिए ये लैंड पर सर्वाइव कर लेते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियोन आर इंक्लूडेड इन द क्लास एरिकनिडा ए विल बी राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स तो स्कॉर्पियोन ए काइटनस एक्सो स्कलेटन ऑकर्स इन एनसेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास ओपर एंड एफिट्स इज डेवलपमेंट कैसा होता है किस टाइप का होता है तो पोरोमेटाबोलस टाइप का होता है यहाँ पे बी पोरोटा बोलस टाइप का होता है द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन्स ओवर पॉइंट सेवन फाइव मिलियन स्पीशीज़ इज सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज होते हैं इंसेक्ट्स में होते हैं यानी ऑर्थोपोडा में होते हैं और ऑर्थोपोडा में भी सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज हैं वो इंसेक्ट के ही देखे जाते हैं नेक्स्ट फोर नाइन्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर नाइन्टी नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड एट्स विंग्स तो ड्रैगन फ्लाई कैन नॉट फोल्ड एड्स विंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड हेमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेम्बर्स ऑफ किस मेबर्स में हेमोसिलोमिक्स सिस्टम होता है तो ऑर्थोपॉर्ड्स में होता है बॉम्बैक्स मोरा बिलोंग्स टू द क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है तो यहाँ पर इसके लिए जो क्लास है यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा तो नन ऑफ द एवर तो इसका जो क्लास है वो इंसेक्टा है इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है नेक्स्ट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस आर प्रजेंट इन वर्टी ब्रेड वर्टी ब्रेड्स में अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग अपेंडिजेस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड टेन इन हनी बीज स्पेसिफाई डांस इज़ द मीन फॉर किसका मीनिंग रिप्रेजेंट करता है जो डांस होता है तो इनफॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड ये स्पेशल लैंग्वेज के फॉर्म में डांस करती हैं जिससे बाकी के जो होते हैं हनी बीज उनको पता चलता है कि कोई फूड का सोर्स जो है वो नजदीक ही है कॉमनिस क्रस्टेशन लार्वा इज कॉमन क्रस्टेशन लार्वा जो है नोपलस लार्वा है नोपलस लार्वा जो है वो कॉमन क्रस्टेशन लार्वा है विच एनेबल ऑर्थोपॉ मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड लैंड पर कौन सा सर्वाइव करता है तो काइटनस काइटनस क्यूटिकल होने की वजह से लैंड पे सर्वाइव करता है फॉर सींग अ हिमोसल विच एनिमल विच एनिमल विल यू सेलेक्ट हिमोसल के तौर पर देखने के लिए कौन सा एनिमल जो है सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर तो बी वाला सेंटिपीट सेंटिपीट में ऐसा देखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव फोर्टीन फाइव हंड्रेड फोर्टीन द इंसेक्ट विच द इंसेक्ट विच लेज एग्स इन वाटर तो वाटर ड्रैगन जो फ्लाई है वो वाटर में अपना एग ले करता है पेरीपेटस पेरीपेटस पेरीपेटर्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन तो पेरीपेटर्स जो है कनेक्टिंग लिंक का फॉर्मेशन करता है बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा एनेलिडा और ऑर्थोपोडा जो है कनेक्टिंग लिंक का ये कनेक्टिंग लिंक वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है प्लेटर्स लार्वा ऑफ इकान्स इज करेक्टराइज बाई द पोजिजन ऑफ डी नन ऑफ द अब अब यहाँ कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड द फॉलोइंग एनिमल्स ग्रूप हेज रेडिली पैलेट्री सेटिकल लार्वा तो डी काइनोडर्मेटा में ऐसा होता है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे गए हैं फाइलम जो ऑर्थोपोडा है उससे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे तब तक के लिए आप जो है तैयार